का कमाल। एक दिन चेतन के स्कूल में जादू का खेल हुआ। जादूगर ने बड़े अच्छे अच्छे करतब दिखाए। सब बच्चे करतब देख के चकित रह गए। जादू के खेल के बाद जब सब घर जाने लगे तो चेतन को स्टेज के पास कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाके देखा। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल है। चेतन ने वो पेंसिल उठा ली और वो भी अपने घर चला गया। अगले दिन रविवार था। चेतन की माँ ने उसे होमवर्क करने के लिए कहा। चेतन बेटा, स्कूल का बहुत होमवर्क है, टीवी बाद में देखना, पहले होमवर्क कर लो। माँ, थोड़ी देर और बस। बिल्कुल नहीं, पहले होमवर्क। चेतन अनमने ढंग से उठा और अपनी बुक्स निकाल के होमवर्क करने बैठ गया। उसने अपने कंपस में से वही चमकीली पेंसिल निकाली। चलो आज इसी से होमवर्क करता हूँ। जैसे ही लिखने के लिए उसने पेंसिल को पेपर पे लगाया, पेंसिल गोल गोल घूमने लगी और उसके हाथ से छूट गई। फिर अपने आप पेंसिल पेपर पे चलने लगी। चेतन हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या। कुछ ही सेकंड्स में उस पेंसिल ने उसका सारा होमवर्क कर दिया। चेतन ने सारे आंसर्स मैच किए, सब सही थे। इस पेंसिल ने तो सारे आंसर सही लिखे हैं और हैंडराइटिंग भी बिल्कुल मेरे जैसी। तभी पेंसिल ने पेपर पर फिर से कुछ लिखा। ओह, तो ये जादुई पेंसिल है, अब तो बड़ा मजा आएगा। चेतन ने फटाफट उस पेंसिल की मदद से सारा होमवर्क खत्म कर दिया। माँ, मेरा होमवर्क हो गया, मैं टीवी देख रहा हूँ। इतनी जल्दी। हाँ माँ, आप चेक कर लो। माँ ने चेक किया, होमवर्क पूरा था। वो भी सोचती रह गई लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। चेतन मन ही मन खुश हो रहा था। अरे वाह, इतनी जल्दी कर लिया, वेरी गुड। चेतन स्कूल में भी जादुई पेंसिल की मदद से सबसे पहले टीचर को सब सही सही लिख के दिखाने लगा। राइट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। चेतन ने मैजिकल पेंसिल की मदद से सबसे पहले उत्तर लिख लिए, लेकिन उसकी एक दोस्त वानी ये देख लेती है। मैंने लिख लिया टीचर जी। टीचर बहुत खुश हो गई। वेरी गुड चेतन। स्कूल के बाद वानी चेतन के पास आई और जादुई पेंसिल के बारे में बात करने लगी। चेतन, वो पेंसिल जादूगर अंकल की है, सबके जाने के बाद वो उसे ढूंढ रहे थे, तुझे वो पेंसिल लौटा देनी चाहिए। अरे ऐसे कैसे लौटा दूं? ये तो मेरे बड़े काम की है। चेतन ने वानी की एक नहीं सुनी। चेतन उस पेंसिल से रोज सारा होमवर्क और स्कूल वर्क करवाने लगा। स्कूल में चेतन की बहुत तारीफ होने लगी। चेतन बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा है, सब कुछ सही और फटाफट लिखता है। चेतन अपनी पेंसिल के साथ बहुत खुश था। धीरे धीरे स्कूल में परीक्षा का टाइम आ गया। परीक्षा से एक दिन पहले जब चेतन सो गया तो उसकी माँ उसका बैग जमाने लगी। अरे ये तो सो गया, कल परीक्षा है, इसके पास पेंसिल और रबर है कि नहीं। माँ ने देखा कि चेतन के कंपस में सिर्फ वही एक चमकीली पेंसिल है और वो भी बहुत छोटी हो चुकी है। अरे परीक्षा में इतनी सी पेंसिल से कैसे लिखेगा, राइटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, मैं इसे नई पेंसिल दे देती हूँ। और माँ ने उस जादुई पेंसिल को खराब पेंसिलों के डिब्बे में रख दिया और एक नई पेंसिल चेतन के कंपस में रख दी। अगले दिन सुबह सुबह चेतन नाश्ता करके परीक्षा के लिए जाने लगा। माँ मेरा कंपास। ये लो, और परीक्षा में सब कुछ अच्छे से और ध्यान से करके आना। हाँ माँ, चिंता मत करो, मुझे सब आता है। स्कूल में जैसे ही प्रश्न पत्र आया, चेतन ने बिना पढ़े ही उत्तर पुस्तिका निकाली और कंपस खोला। कंपस खोलते ही उसके होश उड़ गए, जादुई पेंसिल की जगह नई पेंसिल थी। ये कैसे हो गया, मेरी पेंसिल कहाँ गई, अब क्या करूँ। चेतन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता था क्योंकि उसने पढ़ाई तो करना लगभग छोड़ ही दिया था। अब उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगा और वो रोने लगा। क्या हुआ चेतन, क्यों रो रहे हो। चेतन ने रोते रोते टीचर को सारी बात बताई।
मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। मैं एक जादुई पेंसिल की मदद से सब सही करता था। मेरी पेंसिल खो गई है। अब मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ। टीचर बहुत नाराज हुई। ये तो तुमने बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी माँ और प्रिंसिपल के साथ बात करनी पड़ेगी। चेतन की माँ को बुलवाया गया और प्रिंसिपल के साथ उनकी बातचीत हुई। चेतन ने सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम ये वाला पेपर फिर से दे सकते हो, लेकिन सारे एग्जाम्स होने के बाद। थैंक यू सर। उस दिन चेतन को एक बात समझ में आई कि कभी भी किसी चीज का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, वरना हम किसी बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। उसके बाद चेतन ने वो जादुई पेंसिल जादूगर को लौटा दी और फिर कभी किसी की चीज चोरी छुपे अपने पास नहीं रखने की कसम खाई। धन्यवाद, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी किसी की चीज बिना पूछे अपने पास नहीं रखूंगा।